गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए, इसकी गाजी प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों के बच्चों पर गिरी है। शिक्षा बचाओ मंच के सदस्य शांतनु शर्मा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 8 लाख बच्चे ऐसे हैं जो RTA के तहत पढ़ाई करते हैं। इन बच्चों के पास इंटरनेट स्मार्टफोन नहीं है, जिस कारण पढ़ाई की ज़्यादा समस्या चल रही है। ऑनलाइन के माध्यम से मुश्किल से 25% बच्चे ही पढ़ाई कर पा रहे हैं। वहीं उन्होंने सरकार से गरीब शोषित बच्चों को स्कूल भेजे जाने की अनुमति दिए जाने की अपील की। सरकार से हमारी मांग केवल इसी चीज़ को लेकर है कि कम से कम गरीब बच्चे और जो इस प्रकार के शोषित बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का लॉस ना हो और जो सरकार का जो नियम है वो भी इसमें पूरा हो जाता है। क्योंकि एक क्लास में 25% से ज़्यादा गरीब बच्चों की संख्या नहीं रहती है, RTE के बच्चों की संख्या नहीं रहती है, इसलिए ये बच्चे आसानी के साथ कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का भी पालन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश